हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जेएस ऑनलाइन एजुकेशन। पाने समस्ते भल जेहेतु कोरोना पाई समस्ते घरे थी स्कूल स्कूल तो छुट्टी हो जाए कि सबू पिला नाइन्थ रु टेन्थ क्लास प्रमोटेड हो जाइ तो से आज आम जदि टेन्थ क्लास पाठ पढ़ा ताले तुम परीक्षा बहुत उपयोगी हे एवं ठार्द तुम्हें टेन्थ क्लास पाठपढ़ा आरंभ करद ताले तुम मान बहुत सहज बोर्ड परीक्षा समय पाखापाखी आर्स सर जा रिविजन भी बहुत सहजरे करी आ बहुत समय भी तुमको रात जेहेतु रिविजन करने तो आज आम कौन कर पे दशम श्रेणी संबल भूगोल प्रथम अध्याय आ प्रथम पाठ हूँ प्रथम अध्याय पे हूँ संबल प्रथम पाठ हूँ संबल आ तार विकास हला ये चैप्टरटा भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिले एथिरो वन मार्क तो आसवा सहित दुई मार्क आसता है पाँच मार्क भी आसता है आ पार्थ दशा भी आसे तो आसतु आ लेट करें हाँ जदि आम चैनल को नुआ कर देखु थोड़े गोटे सब्सक्राइब करेंगे आउ लाइक करेंगे आउ सांगाती मान भी शेयर करेंगे तो आसतु लेट करें आज आम पढ़ा देख पे संबल आम प्रथम जानवा कौन संबल का कह संबल अर्थ तुम मैंने कौन बुझ संबल अर्थ कौन कह देख पे जदि मनुष्य तार जीवनधारणपी भूपृष्ठर गोटे प्राकृतिक परेश सब सदा सर्वदा निर्भर करमें भी निर्भर कर गोटे मनुष्य ताक से तार चतुर्पाश जो प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष गोटे मनुष्य जदि गोटे प्राकृतिक वस्तु को से प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष भाव में जदि विनियोग कर से तार जीवन जापन आवश्यकता पूरण करे यादारा से कौन हम तार जीवन शैली में मत जदि उन्नति होता है तेल आम ताको संबल वाली कहला कहीं से प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष भाव में जदि ताको विनियोग कर निजर जीवन जापन प्रणाली को जदि उन्नत करें तो आम ताको संबल वाली कह यादारा कौन देख तार जीवन शैली में उन्नति होगा उक्त सामग्री गुड़ी को प्राकृतिक और भौतिक गुण पर्यक्रमे कौन हम केत गुड़े पर परिलिखित होता है देख पे जदि आम गोटे काठ आम गोटे जंगल रू का गोटे गच को काटले तार काठ गंडिया है यहाँ कौन थी गोटे यहाँ संबल ना यहाँ कह आम पे गोटे संपद बुझिपार ना जो गुड़िक व्यवहार हो नमें संपद बोली कह कि कालक्रमे कौन है ना मनुष्य निजर ज्ञान कौशल प्रयोग कर शिल्प कल कारखाना नहीं एथरो विभिन्न प्रकार कौन से तैयारी कला काठ तैयारी उपकरण जोटा कि आम विभिन्न प्रकार काठ तैयारी उपकरण तैयारी करदेला ताहले बर्तन ये जो संपदा कौन है जो संपद थिला से संबल रे परिणत होगा मन कौन परिणत होगा संबल कहीं संबल होगा ना मनुष्य से कौन कला निजर ज्ञान कौशल मध्यम जो संपद थिला काठ गंडी थिला ताकु निजर ज्ञान भाव से कौन कला ना काठ तैयारी उपकरण तैयारी कर तेणुक ये संपदा कौन है संबल में परिणत होगा तो बर्तमान आम संबल अर्थ का कहवा कौन बुझा देगा मनुष्य हो मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिवारे जो उपयोगी और मूल्यवान बेचित होता परेश विभिन्न पदार्थ अच्छा से होती कि जैव हो अजैव बा शक्ति इत्यादि है जो प्राकृतिक परेशर अच्छा जैव अजैव और शक्ति इत्यादि जार प्राधोगिक दृष्टिकोण सुगम्य हो गमनागमन जीवास सुविधा थी आर्थनैतिक दृष्टिकोण जदि संभव हो पार सांस्कृतिक दृष्टिकोण जदि ग्रहणजोग्य होने संबल वाली कहवा है प्राकृतिक जो परेशर थी जैव अजैव शक्ति आर है प्राधोगिक दृष्टिकोण जदि सुगम्य हो पार मानते जो गोटे शिल्प अनुष्ठान नहीं पार्थ्वा निकटस्थ हो पाए आर्थनैतिक दृष्टिकोण जदि संभव हो पार्थे सांस्कृतिक दृष्टिकोण जदि ग्रहणजोग्य हे ताल आम संबल वाले कहवा है देख पे प्राकृतिक संबल परेश मध्यरे जदि अव्यवहृत होज्ञात अवस्था रही है ताको आम संबल कहवा ना तो मुझे बर्तमान कही जदि गोटे वस्तुटी आम जाणी नहांती आम व्यवहार उपयोगी कर पार ना ताले ताको संबल वाली कहवा ना ताको कौन कह संपद मन रख ताको कह संपद वाली कहवा किंतु संबल कहवा ना है
मनुष्य तार सन्धान करी कार्य विनियोग कला आम संबल कह संबल रूपे से बेचित है तेणुक जो देश में यही संबल गच्छित अवस्था रु नहीं जेतिक परिणाम आम विकसित करी गोटे देशर संबल गच्छित अवस्था न रखी ताको जदि आम विकास करें उन्नति करें तो देशर कौन हम अर्थनैतिक अवस्था से परिमाण में समृद्ध हो पार यही संबल गुड़िक मध्य केतक संबल सीधा सड़क व्यवहार करते संबल को विभिन्न उपाय कौन कर रूपातरित कर तार व्यवहार उपयोगी करत गुड़े संबल को आम सीधा सड़क व्यवहार करत गुड़े संबल को ताकु विभिन्न उपाय कौन कर रूपातरित करवहार उपयोगी करूपातरित देख यूपातरण प्रक्रिया यूपातर जो प्रक्रिया रोज क्या क्या मध्यम रोज देख ये जो रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक परिवेशर एक होला पिले प्रकृति मनुष्य आ प्रौद्योगिक आ अनुष्ठान मध्य परस्पर निर्भरशीलता क्या पर निर्भर कर ना प्राकृतिक परिवेश प्रकृति रहा मनुष्य रहा प्रौद्योगिक रहा आ कौन रहा अनुष्ठान है जदि गोटे प्रकृतिर गोटे जो बर्तमान तुम काठ बा गंडी यहाँ प्रकृतिर रही जदि ए मनुष्य निजर प्राध ज्ञान कौशल जदि प्रयोग कलानी तेल यहाँ के संबल हो पार नहीं संबल हाँप आ गए कौन दरकार अनुष्ठान भी दरकार जोटा कलकारखाना है तेणुक प्रकृति मनुष्य प्रकृति प्राधज्ञ आनुष्ठान ये तीनोटी परस्पर क्या सहित निर्भरशीलता रोचे मनुष्य है क्या मनुष्य मनुष्य प्रकृति अनुष्ठान प्राधज्ञ परस्पर निर्भरशील है निर्भरशीलता उपर निर्भर करें नेक्स्ट देख तो अनेक भावे संबल हूँ एक प्रकृति एक मुक्त दान कि आम भावच कौन प्रकृतिर दान भावुंत किए संबल कितु यह यथार्थ नुहे कहीं जो काठ गंडी तुमको गला गाला काठ गंडी कले काठ गंडी विभिन्न काठ या कौन कले उपकरण कले कि आम प्रकृतिर दान किए थी गच्छा है संबल होचे एक मानवीय कार्यकलापर क्रियात्मक वस्तु है संबल होचे कौन संबल होचे गोटे मानवीय कार्यकलापर एक क्रियात्मक वस्तु है मनुष्य निजर ज्ञान कौशल मध्यम संबल परिणत करिथे तो संबल व्यवहार क्षेत्र में मनुष्य भूमिका विशेष उल्लेख्यजोग्य है तेणु कारण मनुष्य को संबल स्रष्टा उपभोक्ता और क्षयकारी कारक भाव विचार करा जाए है मनुष्य को कौन कह संबल स्रष्टा कह कहीं जो प्राकृतिक रे थिला जो वस्तुटी को मनुष्य निजर ज्ञान कौशल मध्यम संबल परिणत कर मनुष्य को संबल स्रष्टा कहगला है तेना अर्थनैतिक भूगोल मनुष्य को एक मुख्य कर्ता भाव व्यवहार कराए कारण कौन देख कारण हूँ पिले जो अर्थनैतिक भूगोल क्या को एक मुख्य कर्तार व्यवहार कर एक होला मनुष्य कारण कहीं उत्पादन बंटन व्यवहार आउ क्षय प्रभृति समस्त प्रक्रिया मनुष्य द्वारा ही सम्मानित होता है कौन होगा उत्पादन बंटन आउ व्यवहार आउ क्षय क्या द्वारा सम्मानित होता है मनुष्य द्वारा ही होता है से मनुष्य को मध्य एक संबल भाव विवेचित कराई जहाँ को मानव संबल कहुए कौन कहुए मानव संबल आउ गोटे पिले मन रख जो देश में मानव संबल जिते उन्नति से देशर आर्थिक अवस्था से उन्नत कौन सी देशर लोक मान जीवन मान उक्त देश क्या निर्भर कर संबल जनसंख्यार गुण आर आकार निर्भर क्या निर्भर कै आकार कौन देशर सभ्यता किंवा आर्थनैतिक विकास क्या पर निर्भर कर उक्त देशर जनसंख्या प्राकृतिक संबल तीन है मनुष्य मानक संबल व्यवहार गुण है गोटे देशर सभ्यता आर्थनैतिक विकास क्या पर निर्भर कर देशर जनसंख्या प्राकृतिक संबल मनुष्य मानक संबल व्यवहार गुण उपर निर्भर करें
तो बर्तमान आम देख देख पे यहाँ भी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पढ़ा बर्तमान समल केतोटे विशेषत्व रही चारिगोटी केतोटी चारिगोटी एक होला पे उपयोगिता दुई है कार्यदक्षता तीन है सुलभता एवं चार है परिवर्तनशीलता है मन रख एक कौन हो उपयोगिता दुई है कार्यदक्षता तीन है सुलभता आउ चार पे चार हूँ कौन चार हूँ परिवर्तनशीलता है तो बर्तमान आम देखिए देख सी जो चारोटी रहा ये देख प्रथम तो रहा संबल मनुष्य व्यवहार उपयोगी प्रथम आम कह है संबल क्या कह जदि गोटे प्राकृतिक वस्तु को जब आम प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष हो जब व्यवहार उपयोगी करें तो आम संबल कह एक द्वितीय देख जो तीन नंबर जो है सुलभता अर्थ कौन ठीक दर आम पाइपार है सुलभता रहा तृतीय रोच कौन तार कार्यदक्षता तृतीय कार्य कौन संबल विभिन्न प्रक्रिया मध्य जब मनुष्य निजर आवश्यकता पूरण कला तार कार्यदक्षता आवश्यकता पूरण करा कार्यदक्षता चार रोच कौन व्यवहार अनुसार वैज्ञानिक उपाय आम जब पर पारे तो आम संबल कह चारोटी हूँ संबल विशेषत एक होगा उपयोगिता आउ दुई है कार्यदक्षता तीन है सुलभता चार है परिवर्तनशील है तो यहाँ चार पाँच मार्क आसो जदि ना दुई मार्क भी आसता है आस देख संबल प्रकार भेद उत्पत्ति व्यवहार गुण इत्यादि अनुसार संबल को आम मुख्यतः तीन भाग विभक्त करें प्रकृति अनुसार तीन भाग एक होगा प्राकृतिक संबल दुई है सांस्कृतिक संबल तीन है मानव संबल है एक होगा कौन देख पे प्राकृतिक संबल दुई है प्रकृति अनुसार तीन भाग एक होगा प्राकृतिक संबल दुई है सांस्कृतिक संबल आन नंबर अच्छे आम देखा तीन अच्छी मानव संबल है तो प्रथम आम देखा पे प्राकृतिक संबल ये देख पे प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल मध्य कौन पचार तुमको पार्थक्य दर्शा दुई मार्क बा सांस्कृतिक संबल संक्षिप्त टिप्पणी लेख बा प्राकृतिक संबल संक्षिप्त टिप्पणी लेख बा एक पदर प्रकाश कर ए टाइप परीक्षा प्रश्न आसी था तो बर्तमान देख आम प्राकृतिक संबल कह देख पे प्रकृति में जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष हो कि परोक्ष भाव उपकृत होता है से गुड़ी को प्राकृतिक संबल आम कह प्रकृति में जो पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव उपकृत होता है से गुड़ी को प्राकृतिक संबल कहुए उदाहरण देख भूमि मृत्तिका अरण्य वन्य प्राणी जलवायु खनिज पदार्थ शक्ति इत्यादि यह सब आम कौन कह पे प्राकृतिक संबल तीन देख सांस्कृतिक संबल कह सभ्यतार विकास कर्म मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञानकौशल मध्यम जब प्राकृतिक संबल को सी रूपातरित कर किंबा अविकल भाव में विभिन्न उपाय से जब व्यवहार उपयोगी करें ताकि सांस्कृतिक संबल भी कह सभ्यतार विकास कर्म देख सभ्यता प्रथम मनुष्य कौट बास कर बण जंगल गुंफा तापर नदीकूल तापर ग्राम कलापर सहर तापर विभिन्न कर्मकर्म से आज गोटे उन्नत सभ्यतार पहुँच पारे तेनाली सभ्यतार विकास कर्म जब मनुष्य निजर दक्षता कारीगरी जदि ज्ञानकौशल मध्यम से प्राकृतिक संबल से जब रूपातरित कर कि तार अविकल भाव में विभिन्न उपाय जब व्यवहार उपयोगी करें सांस्कृतिक संबल कह विभिन्न कौन देख कौन परिणत कर विभिन्न उपाय सी मनुष्यकृत सांस्कृतिक और आर्थनैतिक अनुष्ठान शिल्प शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगान अर्थ संचालन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान यही हूँ सांस्कृतिक समूह उदाहरण बा अंतर्गत है कौन मनुष्यकृत सांस्कृतिक ना आर्थनैतिक अनुष्ठान शिल्प शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन वाणिज्य अर्थ लगान अर्थ संचालन सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान यू समूह अंतर्गत है तीन डाइन बढ़िया पे मानव संबल यटा भी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मनुष्य को जदि आम स्वतंत्र भाव एक विशिष्ट संभाव जानते जे संबल स्रष्टा किए मानव है तो मनुष्य एवं तार परिवेश
आउ सांस्कृतिक संगठन जो मिलित प्रक्रिय जो संबल सृष्टि होता है ताको आम कह मानव संबल मनुष्य एवं तार परिवेश सांस्कृतिक संगठन तीनो मिलित हो तीनो जो मिलित जो संबल सृष्टि हे ताको आम मानव संबल एक होगा संचरण दुई है संस्थान एक आन है गुणवत्ता है योटी हूँ पे मानव संचल मानव संबल पिले आजपाई एतिक रही था पुणे आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा जदि आम चैनल को ना कर देखु तार एक हृदय सह लाइक और सब्सक्राइब करने को भूल।